हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज नंबर 13.2 को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, किसके बारे में, कोण के बारे में। ठीक है, कोण क्या होता है? आपने जोकर की टोपी देखी है, वो किस शेप में होती है? कोण शेप में होती है। आपने जो आइसक्रीम का कोण खाया है वो किस शेप में होता है? कोण शेप में होता है। ये अपना क्या है? कोण है। ठीक है, जो आपको ओ पॉइंट दिख रहा है ये क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कोण। जो आपको वी पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोण। ठीक है, आपको जो ओए लाइन दिख रही है, ओए जो लाइन दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द कोण। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द कोण। इसको शो करते हैं अपन स्मॉल आर से। ठीक है, आपको जो वी ओ लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द कोण। जो वी ओ लाइन है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द कोण। ठीक है, हाइट ऑफ द कोण, इसको स्मॉल एच से शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक आपको लाइन दिख रही है वी ए, जो तिरछी वाली लाइन है वी ए, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट ऑफ द कोण। इसको शो करते हैं अपन स्मॉल एल से। किससे शो करते हैं? स्मॉल एल से। ठीक है, अब देखो, अगर कोण की हाइट और कोण की रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो? 90 डिग्री का एंगल हो, यानी एच और आर के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो? 90 डिग्री का एंगल हो, तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोण। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोण। ठीक है, और आपके सिलेबस में केवल राइट सर्कुलर कोण ही है, तो अगर आपके कोण लिखा हुआ है इसका मतलब भी राइट सर्कुलर कोण ही है, और राइट सर्कुलर कोण लिखा हुआ है इसका मतलब भी राइट सर्कुलर कोण ही है। अब अपन कोण के कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, कोण के फॉर्मूले पढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होगा स्लांट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, ये स्लांट हाइट एल, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, यहां पे एंगल है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, तो ट्राइंगल वी ओ ए कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल वी ओ ए इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल वी ओ ए, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर अपन लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको अपन लगाएंगे ट्राइंगल वी ओ ए के अंदर, जो क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना अपने पास में? ये अपना हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू कितनी है? एल, तो एल का स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना अपना? ये रहा बेस, बेस की वैल्यू कितनी है? आर, तो आर का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में? वी ओ। परपेंडिकुलर क्या है? वी ओ, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में? एच, तो एच का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अपन स्क्वायर पर हटाते हैं तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अनरूड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी आ गई? अनरूड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया? स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू अनरूड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में स्लांट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। ये क्या आ गया? स्लांट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब अपन फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोण। वॉल्यूम ऑफ द कोण कैसे फाइंड किया गया है? एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट क्या था? देखो, ये अपने पास में क्या है? कोण है, और ये क्या अपने पास में? एक सिलेंडर है। ठीक है, ये कोण है, इसकी रेडियस कितनी है? आर है, और इसकी हाइट कितनी है? एच है। इसी तरीके से ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी है? आर है, इसकी हाइट कितनी है? एच है। यानी कि जो रेडियस और हाइट दोनों की क्या है? सेम है। जितनी रेडियस कोण की है उतनी की उतनी रेडियस किसकी है? सिलेंडर की है। जितनी हाइट कोण की है उतनी की उतनी हाइट किसकी है? सिलेंडर की है। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था? इसको पानी से भरा गया था पूरा। ठीक है, फुल इसको पानी से भर दिया गया और इसके अंदर डाला गया। ठीक है, इसको पानी से भरा और इसके अंदर डाल दिया गया। ठीक है, और जब इसको थ्री टाइम्स इसके अंदर डाल दिया, जब इसको थ्री टाइम्स भर के इसके अंदर डाल दिया गया, तब ये क्या हो गया? फुल हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है
इसका जो वॉल्यूम है इसका थ्री टाइम्स है, इसका जो वॉल्यूम है इसका थ्री टाइम्स है, और इसका वॉल्यूम अपन ने फाइंड कर लिया था पहले, क्या आया था इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास में, पाई आर स्क्वायर एच, यह आया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम थ्री टाइम्स है तो इसका कितना हो गया, वन अपॉन थ्री टाइम्स हो गया, यानी इसका वॉल्यूम इसका वन थ्री पार्ट है, ठीक है। जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका वन थर्ड पार्ट किसका है, कोण का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण कितना जाएगा अपने पास में, वॉल्यूम ऑफ कोण कितना जाएगा इसका, वन अपॉन थ्री पार्ट, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का, इसका वन अपॉन थ्री पार्ट कर दो, इसका वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोण आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो गया अपने पास में, वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम है तो क्यूब यूनिट, यूनिट क्या होगी, क्यूब यूनिट, जो नॉर्मली किसमें आती है, या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब के अंदर आती है, ठीक है। अब अपन फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोण। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस होती कौन सी है, देखो ये अपना एक कोण है, इसको मान लो एक कोण है, ठीक है। इसकी ये वाली जो सरफेस दिख रही है आपको, ये वाली जो आपको कर्व्ड दिख रही है, जो आपको कर्व्ड सरफेस दिख रही है यहाँ पे, ये वाली सरफेस, इसको बोलते हैं इसकी कर्व्ड सरफेस, कौन सी सरफेस, कर्व्ड सरफेस, यानी कि ये वाली जो सरफेस दिख रही है आपको, ये वाली, इसको बोलते हैं इसकी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। क्या होता है, पाई आर एल, जहां पे एल क्या है, स्लांट हाइट ऑफ द कोण, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया तो यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट, यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट, एरिया तो यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट, जो नॉर्मली या तो मीटर स्क्वायर में आएगी या सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगी। ये हो गया सीएल से फाइंड करने का फॉर्मूला, किसका, कोण का, ठीक है। ये तो हो गया सीएल से, ठीक है। अब अपन फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोण, क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण कैसे फाइंड करेंगे। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जितनी भी सरफेस होती है उन सबका एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और कोण के अंदर कितनी सरफेस होती है, देखो एक तो होती है ये वाली कर्व वाली सरफेस, इसका एरिया अपन ने फाइंड कर लिया था कितना आया था, पाई आर एल। और दूसरी सरफेस कौन सी होती है, ये जो आपको बेस दिख रहा है ये किस शेप में होता है, जो कोण का बेस होता है वो किस शेप में होता है, सर्किल शेप में, ये जो बेस होता है वो किस शेप में होता है, सर्किल शेप में होता है, ठीक है। तो अपन को इसका एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा और इसमें एड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका कोण है, ठीक है। टोटल सरफेस के अंदर क्या आएगा, देखो एक तो ये कर्व वाली सरफेस आएगी, प्लस ये जो बेस दिख रहा है, ये जो सर्किल दिख रहा है आपको बेस वाला, इसका एरिया भी आपको एड करना पड़ेगा टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करने के लिए। तो अपन एड कर देंगे, सबसे पहले कर्व सर्फेस एरिया पाई आर एल प्लस जो बेस का एरिया, वो बेस पर क्या है आपके, सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, कॉमन क्या आ रहा है, देखो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, दोनों में से कॉमन आ गया पाई आर, ठीक है। बचेगा क्या, बचेगा क्या, यहाँ पे देखो यहां से तो बचेगा एल प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक आर तो बाहर चला गया, क्या बचेगा, आर बचेगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो लिख दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण कितना आ गया, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये आ गया अपने पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, ठीक है। ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण आ गया, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, एरिया तो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण कितना आ गया अपने पास में,
पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। इन सब फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, अपन नेक्स्ट टाइम में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।